वेलकम टू टाइम्स पंजाब शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा. यस, वी आर हेयर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू विद वेरी स्वीट गॉर्जियस एंड वर्सेटाइल एक्ट्रेस मिस सरगुन मेहता. जी हाँ, आप काफ़ी सुपर डुपर मूवीज़ में उन्हें देख चुके हैं. अब फिर से वो हम सबको हंसाने के लिए आ रहे हैं झल्ली के करेक्टर में. तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, वो आपको मिलवाते हैं उनसे. हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टी वी. हेलो जी. हेलो सत श्री अकाल जी. हैप्पी गुरपुरब. थैंक यू मैम, एंड सेम टू यू. तो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इतने रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, बॉलीवुड के भी बॉलीवुड के भी, तो आपका बर्थ प्लेस कौन सा है बेसिकली? चंडीगढ़. यू आर फ्रॉम पंजाब. हाँ जी. तो मैम, इतनी सुपर डुपर हिट मूवीज आप दे चुके हैं, तो कैसा लगता है जब इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है आपको पंजाबी लोगों से, वर्ल्ड वाइड लोग? कैसा लगता है जी, जदों किसी तो अप्रीसीएशन मिलता, बहुत वधिया लगता है. आप आर्टिस्ट हाँ, सानू तो ताड़ियाँ की भुख आ, होर कुछ नहीं, है ना. तो जो लोग आके कहते हैं कि उन्होंने साडा काम बहुत वधिया लग्या या उन्होंने कोई रोल बहुत वधिया लग्या, सानू बहुत खुशी होंदी है. तो ही आप हर बारी कुछ नवा करन की कोशिश करते हैं. इस बारी लैके आ रहे हैं जी झल्ले 15 नवंबर नू. तो मैम एक चीज़ बताइए, आप इतना चुलबुली से लगते हैं दिखने में भी, और मूवीज़ में भी आपका मोस्टली करेक्टर ऐसा होता है चुलबुली टाइप, घर में आप कैसे हैं? घर में मैं ऐसी हूँ जीनियल, झल्ली. झल्ली जी, तभी आपको ये करेक्टर बिल्कुल सूट किया. तो मैम, आपके हस्बैंड सभी जानते हैं, वो भी एक बहुत मतलब एंटरटेनर हैं बहुत बड़े, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे आप दोनों में से ज़्यादा एंटरटेनर कौन है? देखो, कला ज़्यादा उनमें है, वो कुछ भी कर सकते हैं. अभी उनका गाना भी रिलीज़ हुआ है कल रूबरू, वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो गा भी सकते हैं, वो नाच भी सकते हैं, वो एक्टिंग भी कर सकते हैं. मुझ में शायद उनसे कला कम है, पर एंटरटेन में बहुत करती हूँ उनको. okay. अपने झलपने से तो हम कह सकते हैं वर्सेटैलिटी आप दोनों में है. तो चलिए मैम, बीनो ढिल्लों जी के साथ आपकी लास्ट मूवी आई थी काला शाकाला, बहुत सुपर डुपर हिट गई. अब फिर उनके साथ कैसा आपको लगता है ऑन स्क्रीन, जब आप शूटिंग के टाइम आपकी केमिस्ट्री भी बहुत लोगों को पसंद आई थी? जी, पहली बारी जदों आपां काम कीता सी, सानू पता नहीं सी कि साडी केमिस्ट्री इन्नी वधिया निकल के आऊगी, है ना. आपां दोवां ने कैरेक्टर कैरेक्टर फड़ के रोल कीता, फिल्म कीती, हीरो हीरोइन हीरो हीरोइन टाइप नहीं सी फिल्म, वो भी आ फिल्म भी कैरेक्टर कैरेक्टर दी फिल्मां ने, ते बहुत सोहनी फिल्म बनी है. हुण एक कंफर्ट लैवल हैगा बीनू जी दे नाल, तां उहनां दे नाल सीन करदे होए एक गिव एंड टेक बहुत वधिया हुंदा है, ते फिंगर्स क्रॉस्ड इस वारी भी लोकां नूं चंगा लगेगा. तो मैम, जैसे हमने पहले कहा था बड़े चुलबुले टाइप स्वीट से लगते हैं, तो जब आपको किस्मत में आपको कैरेक्टर मिला था, तो उस टाइम आपको कुछ डिफिकल्ट लगा कोई सीरियस कैरेक्टर प्ले करने वाले थे? नहीं, किस्मत च भी कुड़ी तो चुलबुली सी, और सेकंड हाफ च मतलब जो बंदा बीमार बमूर जहा हुंदा हो जाता है. तो देखो, फ्रेंकली तो जो तुम हों भी पोर्ट्रे करना बहुत मुश्किल होंगे ऑन स्क्रीन, भावें तुसी कोई भी कैरेक्टर प्ले करना होवे, थोनू हुंदा है कि लोगों को एक्सैप्ट करना बहुत जरूरी है, तो लोगों को सब कुछ रियल लगना बहुत जरूरी है ना. आपां तां एक वर्ल्ड बना के रखते हैं सारे लिए, तो मैनू तो सब कुछ ही चैलेंजिंग लगता. तो मैम, अब बात करते हैं आपकी मूवी के बारे में, झल्ले मूवी. ये नाम भी बिल्कुल डिफरेंट सा, यूनिक सा, नाम सुन के ही लग रहा है कि बहुत हंसाने वाली मूवी होगी, इसके बारे में कुछ शेयर कर दीजिए. झल्ले मूवी जी है जी, ओ बंदा चला, कुड़ी चली, परिवार चला, सारे चले ने जी. तो इट्स अ मैड हाउस, तो आ मैड मैड फिल्म लैके आप आ रहे हैं 15 नवंबर नू इन थिएटर्स ने. आई आपका किस टाइप का कैरेक्टर है, और हम आपसे ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि ये मूवी झल्लेपन की कितनी लिमिट्स क्रॉस करेगी? मैं हमेशा कहनी हूँ कि मैं जदों की प्रमोशन शुरू हुई है कि संगा जी साड़ी इंडस्ट्री के सब तो व्डे कमेडियन है ना, उन्होंने देख के लगता है पक्का कोई झलपना करे. तो सोचो इस फिल्म च सब तो ज़्यादा नॉर्मल, जो तुम बाहर आओगे तुम कहोगे सब तो ज़्यादा नॉर्मल हारबी संघा जी सी, तो सोचो बाकी सारे किन्ने कु झल्ले होने. तो अपने करैक्टर के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए. बस आई जी कुड़ी नू प्रॉब्लम आ, उहदे दिमाग दे चक्कर थोड़े जे पुट्ठे ने, उहदा अपना कोई इमोशन ते कंट्रोल नहीं है. जदों गुस्से हुंदी है बहुत गुस्से हुंदी है, खुश हुंदी है बहुत खुश हुंदी है, चुप हुंदी एकदम चुप हो जाती है. तो उहदे बाकी सारे शेड्स उहनू देखण नू मिलणगे 15 नवंबर नू. मैम, आप लुधियाना आए हैं, तो बर्बन ब्रॉडवे का एंबियंस कैसे लगा, आपकी हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी? बहुत वधिया लग्या जी. आपां खाणा खाधा बहुत वधिया खाणा सी, आपां इहनां दी कोई एक मॉकटेल सी बहुत वधिया सी, वेरी वेरी गुड. मैम, लास्ट में हम चाहते हैं एक ब्यूटीफुल सा अपीलिंग सा मैसेज थोड़े झल्लेपन के स्टाइल में लुधियानवी इसको दे दीजिए. कुछ नहीं जी, साडे ट्रेलर ते गाने बाहर आ चुके ने, ते तुसी बहुत बहुत प्यार दिता ट्रेलर नू भी ते गाणियां नू भी. जे तुसी हजे तक नहीं देखे प्लीज़ जाके देखो यूट्यूब ते, झल्ले टाइप करो सब कुछ आजूगा. देखो ते अपने अपने टिकटा बुक करा लो, एडवांस बुकिंग ओपन हो जूगी कल. ते अज साडा नवा गाना रिलीज़ हो रहा है, एमी विर्क उन्होंने गाया है लाट वर्गी, बहुत वधिया गाना है, तुसी शादी विवाहां ते बहुत नचोगे इस गाने ते. एंड वी विल सी यू ऑन द 15th.
थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ मल्टी टैलेंटेड एंड गॉर्जियस एक्ट्रेस मिस सरगुन मेहता, जिन्होंने हमसे शेयर किया अपने आने वाली मूवी झल्ले के बारे में। बहुत ही स्वीट सा करेक्टर है उनका, प्लीज़ डोंट मिस दिस मूवी, ये मूवी आप सबको बहुत ज़्यादा हंसाने वाली है। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी। We'll be right back.